तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे बौने लड़की की कहानी जिसका छोटा चेतन में इतनी ज्यादा खुजली होती है कि वो अपने पड़ोसियों और किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको प्रेग्नेंट कर देता है। आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एना नाम के एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने खेतों में काम कर रही होती है। अभी वहाँ पर एक जोसेफ नाम का आदमी आता है जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई। अभी यहाँ पर दोस्तों जो एना होती है वो उसको अपनी गुफा में छुपा लेती है और यहाँ पर पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। पर हम देखते हैं कि जो जोसेफ है वो नीचे एना का खेल कर रहा था और वो उसे प्रेगनेंट कर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर यानी जोसेफ और एना अपनी फैमिली कहीं और जाकर बसा लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। पर एक दिन जो पुलिस होती है वो जोसेफ को पकड़ लेती है, पर जोसेफ उनसे बच बचा कर एक नदी में कूद जाता है और वहां से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते थे कि जोसेफ मर गया और कुछ कहते थे कि जोसेफ अमेरिका चला गया और वहां पर वो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। हम लोग यहाँ पर एना को देखते हैं जो अपनी बेटी एग्नेस के साथ मंडी में सब्जियां बेचा करती थी। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो एग्नेस थी उसका दो लोगों के साथ चक्कर चल रहा था और यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्नेस और उन दोनों के बीच में जो थ्रीसम हुआ था यानी कि जो भी पेलम पट्टी उनके बीच में हुई थी उससे एग्नेस को एक बेटा होता है जिसका नाम ऑस्कर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि दोस्तों जो एग्नेस को बच्चा हुआ था यानी कि ऑस्कर वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था और वो कुछ अबनॉर्मल भी था। तो एग्नेस उसे चुप करवाने के लिए कहते हैं कि जब ये बड़ा होगा तो मैं इसे 10 ड्रम दूंगी। हम देखते हैं कि जो ऑस्कर जो है दोस्तों वो 3 साल का हो गया है और अब बड़ा हो चुका है और उसके पास एक 10 ड्रम भी है। हम लोग देखते हैं दोस्तों जैसे वो बड़ा होता है तो वो लोगों को शराब पीते हुए देखता है और वहां से चला आ जाता है उदास होकर। अब हम देखते हैं वो अपने कमरे में आ जाता है और वो सोचता है कि अब मैं कभी बड़ा ही नहीं होना चाहता, तो वो ऊपर से गिर जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो ऊपर से गिरता है तो उसके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि उसका जो 10 ड्रम था वो टूट चुका था और जो भी कोई उसे छीनने की कोशिश करता था तो वहां पर ऑस्कर चिल्ला देता था जिससे कि वो कांचों को तोड़ देता था। ये उसकी सुपर पावर्स थी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ऑस्कर को फोटो खिंचवाने का भी बहुत शौक था। हम देखते हैं कि ऑस्कर जो था वो अपने 10 ड्रम को कभी भी अपने से अलग नहीं करता था और जो भी उसे छीनता था वो उसके शीशे तोड़ देता था, चाहे वो चश्मे हों या फिर उसका बार। हम लोग देखते हैं कि अब ऑस्कर एक दिन अपने रूम में था, अपनी मोम से बातें कर रहा था। उसकी मोम उसे स्कूल भेजने के लिए कहती है पर वो स्कूल जाने के लिए मना कर देता है। वो अपनी मोम से सर्कस में जाने के लिए कहता है। अब एग्नेस ऑस्कर को सर्कस में छोड़कर खुद तो पिलम पिलैया करने के लिए चली जाती है अपने आशिक के साथ और जब वो आती है तो ऑस्कर को भी अपने साथ सर्कस में फिर से लेने के लिए आती है। यहाँ पर ऑस्कर कुछ बौने लोगों को देखता है जो कि उसे लगता है कि ये लोग बिल्कुल मेरे जैसे हैं। यहाँ पर अब जैसे वो शो खत्म होता है तो ऑस्कर उनमें से किसी एक आदमी के पास यानी एक बौने आदमी के पास उसे मिलने के लिए जाता है और वो कहता है कि मैं भी सर्कस में शामिल होना चाहता हूँ और वो उन्हें अपनी सुपर पावर्स के बारे में भी दिखाता है। उनमें से जो एक बौना होता है वो ऑस्कर की इस एबिलिटी से खुश हो जाता है और वो उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है। तभी एग्नेस उसे ऑस्कर को यानी कि ऑस्कर को वो अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर हम एक शॉपकीपर को देखते हैं जिसके पास एग्नेस ऑस्कर को छोड़कर जाती थी। वो यहाँ पर एग्नेस से कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और ऑस्कर मेरे साथ ही रहो। अब यहाँ पर जो एग्नेस थी वो उसके साथ यानी कि उस शॉपकीपर के साथ तो पेलम पलाई करने चली जाती है और ऑस्कर को बाहर ही छोड़ जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों जो एग्नेस थी वो रोने लगी थी क्योंकि उसे पता पड़ गया था कि उसके पेट में एक और बच्चा और वो नहीं चाहती थी इस बच्चे को, तो वो बहुत सारा खाना ठूसने लगती है, बहुत खाना खाने लगती है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है फूड पॉइजनिंग की वजह से, क्योंकि उसने बहुत सारी फिशेज जो थी वो खा ली थी और वो सारी फिशेज जो थी वो बासी थी जिसके कारण उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है और वो मर जाती है। अब दोस्तों हम लोग ऑस्कर को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की डेथ के बाद ये सब सोचने लगा था कि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो हम लोग अब देखते हैं कि ऑस्कर एक पोस्टमैन के पास आता है उसके ऑफिस में जो कि उसका कोई रिलेटिव था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पोलैंड और यहाँ पर एक और देश था जिसके बीच में यहाँ पर युद्ध चल रहा था। वो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे थे पर तभी यहाँ पर पोस्टमैन के ऑफिस में वहीं पर एक हमला हो जाता है जिसमें ऑस्कर तो बच के निकल जाता है पर उसका जो 10 ड्रम था वो टूट जाता है, उसका एक रिलेटिव था वो भी मर जाता है। ऑस्कर को फिर से रियलाइज होने लगा था कि उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ऑस्कर यहाँ पर एक शॉप में आता है जहाँ पर एक लड़की थी वो उसे उठाकर लाई थी क्योंकि ऑस्कर जो था उसमें वो कुछ घायल हो गया था उस हमले में। यहाँ पर हम देखते कि ऑस्कर को वो लड़की पसंद आने लगी थी और साथ साथ हम देखते कि जो ऑस्कर था वो अब बड़ा हो चुका था यानी कि उसकी उम्र थी वो 22 साल की हो चुकी थी और उसे बीमारी की वजह से उसकी जो हाइट थी वो नहीं बढ़ पा रही थी। अब यहाँ पर ऑस्कर जो था दोस्तों वो रात को उस लड़की के साथ नीचे ही नीचे घपाघप उस लड़की के साथ कर रहा था, मजे ले रहा था उस रात के। हम लोग देखते हैं कि जो वो लड़की थी वो भी ऑस्कर से इतना प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ उसका फायदा उठा रही थी। अब एक दिन ऑस्कर उस लड़की को अपने प्यार की बातें बताने के लिए आता है पर तभी यहाँ पर उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है जो कि उस लड़की के साथ पेलम पिलैया करता
जाता है और यहाँ पर ऑस्कर को पता पड़ता है कि वो जो लड़की है वो उसे प्यार नहीं करती। तो एक दिन फिर से ऑस्कर उस लड़की के पास जाता है अपने प्यार की बात बताने के लिए, पर वो लड़की उसे बोना कहकर उसे धमका देती है और भगा देती है। दोस्तों कुछ महीने और बीतते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो लड़की जो थी जिसे ऑस्कर प्यार करता था वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके पेट में उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ऑस्कर दोस्तों उस बच्चे को मारना चाहता था पर वो लड़की उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। पर अब धीरे धीरे ऑस्कर ने भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था और उसने उस बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लिया था। वो यहाँ से जाना चाहता था, पर हम देखते हैं कि अब अगले सीन में ऑस्कर का एक फ्रेंड था जो कि एक कंट्री का प्रेसिडेंट था और वो भी एक बौना था, और वो ऑस्कर के पास आता है उसे मिलने के लिए अपनी खूबसूरत वाइफ के साथ जो कि वो भी बौनी थी। अब ये लोग दोस्तों एक संगठन बनाते हैं बौने लोगों का, पर ऑस्कर उसमें नहीं आता और ऑस्कर एक सर्कस में चला जाता है जहाँ पर उसको एक खूबसूरत बौनी लड़की मिलती है जिसके साथ वो अपनी लाइफ को सेटल कर लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑस्कर की जो लाइफ थी बहुत ही अच्छी चल रही थी। अब ये लोग यानी कि जो ऑस्कर था और उसके बौने दोस्त थे अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे थे और बहुत सारा ये लोग खपागप करते थे जब भी इनको टाइम मिलता था। पर एक हमले में ऑस्कर की जो वाइफ थी इनकी बौनी लड़की वो मर जाती है और ऑस्कर दोस्तों फिर से अकेला हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि ऑस्कर उसी लड़की के पास आता है जिससे वो प्यार करता था, और हम देखते हैं उस लड़की का जो बच्चा था वो भी बड़ा हो चुका है अब। पर हम लोग देखते हैं कि जो लड़की थी वो ऑस्कर को पास नहीं आने देना चाहती अपने बच्चे के, और उसका जो हस्बैंड था वो चाहता था कि जो ऑस्कर है वो उसके साथ ही रहे, उसके बच्चे के साथ ही रहे। यहाँ पर हम कुछ एजेंट्स को देखते हैं जो कि ऑस्कर को लेने आए थे जो कि उसकी बीमारी को ठीक करना चाहते थे, पर यहाँ पर उस लड़की का हस्बैंड ने ऑस्कर को उसे ले जाने नहीं दिया। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इनकी कंट्री में पोलैंड का हमला हो रहा था और यहाँ पर जो वो आदमी था वो एक नाजी एजेंट था। अब उसने अपनी फैमिली को अपने अंडरग्राउंड कवर में छुपा लिया था ताकि उसकी फैमिली को पोलैंड की आर्मी नहीं मार सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी तरह से पोलैंड की आर्मी यहाँ पर उसके अंडरग्राउंड कवर में आ जाती है और उन सभी लोगों को पकड़ लेती है। यहाँ पर ऑस्कर उस आदमी को एक बिल्ला दिखाता है जिसके ऊपर लिखा था कि नाजी का एजेंट, अगर यहाँ पर वो जो नाजी एजेंट होता है वो उस बिल्ले को निगल जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके निगलने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों अगले सीन में ना हम लोग देखते हैं कि अब सब खत्म हो चुका है और ऑस्कर की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो यहाँ पर एक शॉप में काम करने लगी है और उसने अपने हस्बैंड की जो डेड बॉडी थी उसको भी वहाँ पर दफना दिया है और ऑस्कर ने अपने टिन ड्रम को भी उसके साथ ही दफना दिया है। ऑस्कर दोस्तों अपने फ्रेंड की डेथ से बहुत ही ज्यादा टूट चुका था तो वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि ऑस्कर की जो नाक थी उसमें से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्कर जो था उसकी जो बीमारी थी वो ठीक हो चुकी थी और उसी ठीक होने के कारण उसका वो खून निकला था। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ऑस्कर जो है वो बड़ा होने लगा है, उसकी बीमारी थी वो अब खत्म हो चुकी है। हम लोग देखते हैं कि ऑस्कर की जो पावर्स थी यानी कि चिल्लाने की उसकी पावर्स थी वो सब पावर्स भी जा चुकी है और यहाँ पर हम फिर से वही स्टार्टिंग का सीन चल जाता है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। मूवी को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो के साथ।